आज हम जिस मूवी की स्टोरी की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द सस्पेक्ट, जो एक कोरियन स्पाई फिल्म है। डोंग, जिसने नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया में शरण ली है, मगर साउथ कोरिया में आने का उसका कुछ और ही मकसद है, वह किसी की तलाश में है। चोई एक जर्नलिस्ट है जो नॉर्थ कोरिया से आए डिफेक्टर पे डॉक्यूमेंट्री बना रही है। डिफेक्टर यानी अपने देश के पुराने ताल्लुका छोड़ के दूसरे देश में आए हुए लोग। तो चोई चाहती है कि डोंग उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करे, मगर डोंग का उसकी तरफ रवैया थोड़ा रूखा सा है। डोंग अपने गुजारे के लिए सोउल में टैक्सी चलाता है, मगर उसकी नजर हमेशा किसी ली नाम के आदमी को ढूंढती रहती है। नॉर्थ कोरिया को छोड़ के आया हुआ बिजनेसमैन पार्क डोंग का प्रशंसक है, क्योंकि पार्क नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिक्स में जब एक्टिव था तभी डोंग ने उसकी बहुत मदद की थी। उसे डोंग पे बहुत विश्वास है, वह उसे अपना लड़का मानता है। वह चाहता है कि अब डोंग उसके साथ यहाँ साउथ कोरिया में काम करे, मगर डोंग उसे इनकार करता है, क्योंकि साउथ कोरिया आने का डोंग का कुछ अलग मिशन है। पार्क, जो नॉर्थ कोरिया से बहुत प्यार करता है, वह डोंग से कहता है, यहाँ अच्छा मौसम और मिट्टी न होने के बावजूद जिस तरह यहाँ हाइब्रिड बकवीट चावल उगते हैं, उसी तरह अगर वह नॉर्थ कोरिया में उगने लगे तो वहाँ की भूखमारी कम होगी। इसलिए इस चावल के हाइब्रिड बीज को बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ से नॉर्थ कोरिया ले जाना जरूरी है। पार्क जानता है कि जब तक डोंग की मिशन पूरी नहीं होगी तब तक वह उसके साथ काम नहीं करेगा, तो वह अपनी पावर से ली का पता ढूंढ के डोंग को देता है। यहाँ रात को एक अनजान आदमी पार्क के घर घुस के उसे बेहोश करता है और उसका चश्मा निकाल के एक केस में रखता है। फिर वह पार्क के पैर में एक इंजेक्शन मारता है जिससे पार्क की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, मगर तभी वहाँ पे डोंग आता है। अब हमें पता चलता है कि यह सब किसी बड़े साजिश का हिस्सा है, क्योंकि पार्क को मारने का प्लान बाहर खड़ी एक गाड़ी से मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पार्क का किलर डोंग को मारने मुड़ता है, मगर डोंग बड़ी आसानी के साथ उससे लड़ता है और उसे मार देता है। अब डोंग पार्क के पास जाता है जो आखिरी सांसें गिन रहा है। वो डोंग को अपने चश्मे की केस देके उससे कहता है कि इसे जमीन में गाड़ देना। इतना कह के पार्क मर जाता है। अब पुलिस आती है। पुलिस डोंग से उस चश्मे के केस की मांग करती है। डोंग तुरंत समझ जाता है कि पुलिस भी मिली हुई है। डोंग वो देने से इनकार करता है तो वो ऑफिसर उसे मारने जाता है, मगर डोंग उसे मार के खिड़की से छलांग लगा के भाग जाता है। यहाँ गाड़ी में मॉनिटर पे बैठा हुआ आदमी उसके आदमियों को हुक्म देता है कि वो मिशन यहीं पे खत्म करे, क्योंकि जिस चीज की तलाश उन्हें थी वह चश्मा तो डोंग लेके भाग गया था। अब हमें पता चलता है कि वह आदमी जिसका नाम किम है, वह साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी NSIA का बड़ा एजेंट है। NSIA जब डोंग के CCTV फुटेज को स्टडी करती है तो उन्हें पता चलता है कि वह डोंग है जो कभी नॉर्थ कोरिया का टॉप का स्पाई यानी जासूस था, जिसने कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद वह मकाम पाया था और जिसने कभी हारना नहीं सीखा। अब NSIA वाले नकली सबूतों को प्लान करके पार्क के मर्डर का इल्जाम डोंग पे रखते हैं, और चूंकि पार्क एक VIP था तो कोरियन गवर्नमेंट चाहती है कि डोंग जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो अब NSIA डोंग को पकड़ने का काम कर्नल मीन पे सौंपती है, जो खुद में एक टफ आर्मी ऑफिसर जाना जाता है। मगर इसकी एक और वजह भी है। पास्ट में डोंग और कर्नल मीन का एक बार आमना सामना हुआ था। उस वक्त डोंग मीन पे भारी पड़ गया था। यहाँ डोंग पार्क के घर से लाए हुए चश्मे की लेंस को गौर से देखता है तो उसे उसके अंदर छुपाई हुई एक माइक्रोफिल्म दिखाई देती है। अब वह उस चश्मे का इम्पोर्टेंस समझ जाता है, मगर वह नहीं जानता उस फिल्म में क्या है। किम मीन को अपने हेडक्वार्टर लेके आता है और उसे डोंग को पकड़ने का काम हैंड ओवर करता है, मगर किम अंदर से मीन से बहुत सालों से जलते आ रहा है, क्योंकि जो मकाम वह पाना चाहता था उस मकाम पे मीन पहुंच गया। मीन को भी किम के इस स्वभाव का पता है। अब किम जानबूझ के बाकी लोगों के सामने वो वाकियत बयान करता है जिसमें डोंग ने मीन को मात दी थी। दरअसल उस हांगकांग के मिशन का इंचार्ज मीन था, जिसे नॉर्थ कोरिया और फिलीपींस टेररिस्ट के बीच होने वाली इलीगल वेपन डिलीवरी को रोकना था, मगर अचानक डोंग ने हमला करके मीन की मिशन को फेल कर दिया था। उसने मीन को जख्मी किया। एक पल तो वो मीन को मारने ही वाला था, मगर मीन के वॉलेट में उसे उसकी वाइफ और बच्ची की फोटो मिलती है, जिससे इमोशनल होके डोंग मीन को जिंदा छोड़ देता है। और इसी मिशन की फेल्यूर की वजह से मीन के करियर पे धब्बा लग गया था। अब कैप्टन जो को मीन का असिस्टेंट बनाया जाता है ताकि मीन पे नजर रखी जाए। अब मीन की टीम डोंग को पकड़ने में लग जाती है। डोंग के घर की तलाशी में मीन को पता चलता है कि डोंग किसी ली नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। मीन को अपने असिस्टेंट कैप्टन जो से पता चल जाता है कि डोंग के कांटेक्ट में कोई चोई नाम की जर्नलिस्ट है, जो दरअसल डॉक्यूमेंट्री के नाम पे इसी साजिश का पर्दाफाश करने में लगी हुई है, जिसके लिए वह डोंग की मदद चाहती है। मीन चोई को इंट्रोगेट करता है, मगर चोई उसे कुछ पता लगने नहीं देती। यहाँ NSIA को ली का पता मिलता है। डोंग मीन को फोन करके बताता है कि उसने पार्क को नहीं मारा, उसे फंसाया जा रहा है।
कोई पार्क के चश्मे के पीछे पड़ा है। मीन को समझ में नहीं आता यह चश्मे का क्या मैटर है। डोंग को भी चश्मे में इंटरेस्ट नहीं, वह सिर्फ ली को मारना चाहता है। डोंग मीन से कहता है कि वह उसे पकड़ने में अपना वक्त ना बर्बाद करे, मिशन खत्म होगी तो वह खुद ब खुद अपने आप को मार देगा। यहाँ NSI का शार्प शूटर ली के घर के सामने पहुँच जाता है और ली के घर की विंडो को टारगेट लगाता है। उसका टारगेट ली नहीं बल्कि उसे मिलने आ रहा डोंग होता है। यहाँ डोंग ली के यहाँ पहुँच जाता है। वह ली से पूछता है कि उसने उसके वाइफ और बच्चे को क्यों मारा। अब हमें पता चलता है कि डोंग अपने वाइफ और बच्चे के मर्डर का बदला ली से लेना चाहता है। ली भी नॉर्थ कोरिया का स्पाई है जो नाम बदल के साउथ कोरिया रहता है। अब ली अपने हाथ पे कुछ लिखता है और वह डोंग को दिखाता है क्योंकि वह जान गया है कि NSI का शूटर उनकी बातें सुन रहा है। डोंग आगे बढ़ता है कि शूटर डोंग को टारगेट करता है। इसके पहले कि वह ट्रिगर दबाए, गन पे लगाए बाइनोक्युलर का रिफ्लेक्शन डोंग के ऊपर पड़ता है। डोंग झटके से नीचे बैठता है। शूटर गोलियां बरसाना शुरू करता है। मौका देख के ली भाग जाता है। अब डोंग ली का पीछा करने लगता है। तभी मीन के आदमी भी डोंग का पीछा करने लगते हैं। मीन कंट्रोल रूम में बैठ के CCTV कैमरा से उन्हें गाइड करने लगता है। ली मॉल के अंदर चला जाता है तो डोंग भी उसके पीछे पीछे मॉल में जाता है। इन सब बात का पता किम को चलता है। वह चाहता है कि डोंग मीन के हाथ ना लगे तो वह अपने प्राइवेट शूटर को डोंग के पीछे भेजता है। यहाँ सबवे में डोंग और वो शूटर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शूटर डोंग को मारने के लिए इंजेक्शन निकालता है मगर डोंग फुर्ती से वही इंजेक्शन उसके गले में चुबा देता है। वह शूटर वहीं पे मर जाता है। अब मीन कंफ्यूज होता है कि डोंग को मारने की कोशिश करने वाला यह शूटर किसका आदमी है, क्योंकि उस शूटर के पास जो मोबाइल मिलता है उस पर किम का और शूटर का कॉन्वर्सेशन मिलता है। मीन समझ जाता है कि किम डबल गेम खेल रहा है। वह गुस्सा होकर किम से इसका मतलब पूछता है। किम उससे कहता है कि उसके ऊपर भी लोग हैं जिनकी ऑर्डर्स उसको सुननी पड़ती है, तो बेहतर यही है कि दोनों अपना अपना काम करे। मीन उसे सलाह देता है कि वह उसके बॉस के तलवे ना चाटे क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसे छुड़ाने के लिए उनमें से एक भी खड़ा नहीं होगा। अब मीन फैसला करता है कि उसे भी किम की तरह ही चाल चलनी होगी। यहाँ ट्रेन में बैठा डोंग अपनी वाइफ की यादों में चला जाता है। आखिरी बार जब वह अपनी वाइफ से मिला था तो वह प्रेग्नेंट थी। डोंग अपने बच्चे तक को नहीं मिल सका। यहाँ जो जर्नलिस्ट चोई की प्राइवेट फाइल छान मारता है तो मीन को उससे पता चलता है कि हांगकांग मिशन के बाद जब डोंग नॉर्थ कोरिया वापस गया तो उसे देशद्रोह के इल्जाम में पकड़ा गया क्योंकि कोरिया के प्रेसिडेंट की हत्या हुई थी, जिसका दोषी स्पाई एजेंसी को ठहराया गया। डोंग को लंबे टॉर्चरिंग से गुजरना पड़ा, उसे फांसी हुई मगर अपनी मिलिट्री स्किल की वजह से वह उसमें से बच के निकल भागा। नॉर्थ कोरिया के खुफिया एजेंसी ने ली को भेज के डोंग की वाइफ और बच्चे को मार डाला और उसके बाद ली साउथ कोरिया भागा। डोंग उसका पीछा करते हुए यहाँ आया। तभी डोंग को याद आता है कि ली ने हाथ पे लिख के उसे क्या दिखाया था। ली ने लिखा था उसकी लड़की अभी भी जिंदा है। अब डोंग के सामने और एक मिशन होती है, अपनी लड़की को ढूंढना, जिसका पता सिर्फ ली जानता है। मगर अब ली को ढूंढना ना के बराबर है तो वह NSI हेडक्वार्टर्स फोन करके मीन से कहता है कि वह उसे चश्मा देने के लिए तैयार है, उसके बदले उसे ली चाहिए। मीन को चश्मे की कुछ पड़ी नहीं, उसे तो डोंग चाहिए। उस चश्मे के इम्पोर्टेंस के बारे में उसे कुछ पता नहीं तो वह डोंग का ऑफर ठुकराता है। यहाँ जो चोई की पर्सनल फाइल छान मारता है तो उसे पता चलता है कि चोई NIS के अंदर चल रहे करप्शन का पर्दाफाश करने के पीछे पड़ी थी। उसे पता था इस करप्शन में किम इन्वॉल्व है और इस काम में उसकी मदद पार्क अपने आदमी पैट के जरिए कर रहा था और किम ने ही इस पैट का पता नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को दिया था। और ली जब इस पैट को मारने गया तो उस हमले में डोंग की वाइफ की मौत हुई, मतलब इनडायरेक्टली किम डोंग की वाइफ की मौत का जिम्मेदार था। अब डोंग चोई को फोन करके उसे मिलने को बुलाता है। अब वह उस चश्मे के सबूतों को प्रेस में देने की सोचता है। यहाँ मीन ली को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि उसे डोंग की बेगुनाही के बारे में पता चल चुका है। मीन ने चोई के फोन को टैप किया हुआ है तो उसे पता चलता है कि चोई डोंग से मिलने जा रही है। तो अब खुद मीन मैदान में उतरता है और डोंग को पकड़ने निकलता है। यहाँ जो को किम के पर्सनल सीक्रेट डेटा से पता चलता है कि किम ने डोंग को मारने के लिए एक नए अंडरकवर एजेंट को डिप्लॉय किया है। यहाँ मीन के आदमी चोई के पीछे है मगर चोई उन्हें बड़ी मुश्किल से गुमराह करके डोंग की गाड़ी में बैठ जाती है। मगर सामने से आती मीन की कार डोंग की कार को जोरों से टक्कर मारती है। अब डोंग और मीन के बीच एक लंबा कार चेस शुरू होता है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। मीन भी पूरी तरह ईगो पे आ गया है, वह अपनी पिछली हार को भूला नहीं। मगर इस बार भी डोंग बड़ी अकलमंदी से मीन को झांसा देके भाग जाता है। घायल मीन अपने आप पे बहुत गुस्सा होता है। यहाँ मीन की हार को NSI चीफ बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अब मीन उनपे उंगली उठा के कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सच्चाई से दूर रखा और उस चश्मे का क्या मैटर है यह भी नहीं बताया।
चीफ बताता है कि उस चश्मे में छुपाई माइक्रोफिल्म में केमिकल वेपन बनाने का यूनिक फॉर्मूला है, केमिकल वेपन जो न्यूक्लियर बॉम्ब से घातक है। पार्क ने उसे अपने उज्बेकिस्तान की रिसर्च लैब में बनाया और पार्क वो फॉर्मूला नॉर्थ कोरिया को गिफ्ट करने वाला था। अब पार्क के मरने के बाद वो फॉर्मूला नॉर्थ कोरिया तक पहुंचाने का काम डोंग पे आया है। चिप मिन पे आरोप करते हैं कि वो पैसे के लिए डोंग की मदद कर रहा है। चीफ के इन आरोपों से मिन गुस्सा होता है तो चीफ उस पर उससे पूछते हैं कि क्यों हर बार डोंग तुम्हारे हाथों से छूट जाता है और क्यों पिछली बार डोंग ने तुम्हें अकेले को ही जिंदा छोड़ा और बाकी लोगों को मार डाला। उस हांगकांग की मिशन से दो ही लोग जिंदा वापस आए, तुम और डोंग। तुम्हारा और डोंग का क्या कनेक्शन है? चीफ के आरोपों से गुस्सा होके मिन उनसे कहता है, फ्रॉड और करप्ट तुम लोग हो। चीफ मिन को अब इस मिशन से हटाते हैं और उसे कोर्ट मार्शल की धमकी देते हैं। यहाँ डोंग चोई को लेके अपनी एक सीक्रेट जगह जाता है और उस चश्मे से उस माइक्रोफिल्म को बाहर निकालता है जिसे चोई शूट करती है। डोंग उस फॉर्मूला की माइक्रोफिल्म को एक माचिस की डिब्बी में रख के चोई को देता है। वो चोई से कहता है कि यह फिल्म उसका मिशन नहीं है बल्कि उसके वाइफ के कातिलों को मारना उसका मिशन है। यहाँ किम भी चाल चलता है और डोंग को मारने के लिए वह ली को भेजता है। यहाँ मिन को फोरेंसिक वाले से पता चलता है कि पार्क को मारने के पीछे और डोंग को फंसाने के पीछे किम ही है, क्योंकि डोंग के घर में जो गन मिली उसके अंदर की बुलेट पे किम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। यहाँ किम को डोंग का पता चलता है तो वह अपने अंडरकवर एजेंट को ली के साथ डोंग के यहाँ भेजता है, मगर डोंग वहाँ से भाग चुका है। ली उस माइक्रोफिल्म को चोई से हासिल करता है। फिल्म को लेके एजेंट वहाँ से चला जाता है। अब ली चोई को मारने गन उठाता है कि तभी डोंग पीछे से उस पर हमला करता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है, मगर डोंग ली पे भारी पड़ता है। डोंग ली को मार देता है, मगर मरते मरते वो डोंग से कहता है कि उसकी लड़की अभी जिंदा है और वह कहाँ है वह सिर्फ किम जानता है। किम ने उस लड़की को एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले आदमी को बेचा था। वो डोंग को यह भी बताता है कि पार्क को मारने के पीछे किम ही है, क्योंकि वह उस फॉर्मूले के पीछे है। अब डोंग किम को मारने निकलता है तो किम डोंग को शूट एट साइट का ऑर्डर देता है। यहाँ मिन डोंग के यहाँ पहुँचता है। वहाँ वह चोई से कहता है कि वह किम का पर्दाफाश करने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि किम के खिलाफ उसके पास भी सबूत है। यहाँ किम की तलाश में निकले डोंग को पुलिस घेर लेती है। दोनों के बीच बड़ी एक्शन होती है। डोंग उनको मात देके वहाँ से निकलता है तो अब उसके सामने वह अंडरकवर एजेंट आता है। दोनों की कारें आपस में टकराती है जिसमें वह एजेंट मर जाता है। यहाँ डोंग पुलिस से बचते बचते एक ब्रिज पे आता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। डोंग ब्रिज से पानी में छलांग लगाता है और पानी के नीचे तैर के अपने आप को बचाता है। यहाँ किम डोंग से हासिल किए हुए उस फॉर्मूला का सौदा अमेरिकन एजेंट से करने के लिए एक जगह पहुंच जाता है। सौदा $30 मिलियन का होता है। किम अमेरिकन एजेंट को वह फॉर्मूला देता है। एजेंट उस फॉर्मूला को सिस्टम में डाल के डिकोड करता है। ठीक उसी वक्त मिन चोई ने शूट किए उस फॉर्मूला की वीडियो प्रिंट केमिकल साइंटिस्ट को देता है। केमिकल साइंटिस्ट उसे स्टडी करता है और मिन को बताता है कि यह एक केमिकल वेपन का फॉर्मूला लग रहा होगा, मगर दरअसल यह बकव्हीट राइस के सीड को हाइब्रिड बनाने का फॉर्मूला है जिससे इस चावल की खेती खराब मिट्टी में भी की जा सकती है और जो देश अनाज की दिक्कत से जूझ रहे हैं उनको इस फॉर्मूला का फायदा होगा, उनके देश की भूखमरी खत्म की जा सकती है। अब चोई और मिन समझ जाते हैं कि पार्क कोई केमिकल वेपन बनाने के पीछे नहीं था बल्कि अनाज के ऐसे फॉर्मूला के पीछे था जिससे नॉर्थ कोरिया को फायदा हो सके और वहाँ का अनाज का अकल दूर हो सके, और यही गिफ्ट पार्क अपने देश को देना चाहता था। यहाँ यही बात US एजेंट को फॉर्मूला डिकोड करने के बाद पता चलती है और वह किम के साथ डील कैंसिल करता है, क्योंकि वह किसी राइस के फॉर्मूले में इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें तो केमिकल वेपन का फॉर्मूला चाहिए था। जिससे किम पैट पे बहुत गुस्सा होता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से फॉरेन कंट्री के सामने उसे इंसल्टेड होना पड़ा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इस सब साजिश के पीछे पार्क का असिस्टेंट पैट ही है। यहाँ किम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है और प्रेस को बताता है कि पार्क के मर्डर के पीछे डोंग है, मगर तभी भरी कॉन्फ्रेंस में डोंग वहाँ पहुंच जाता है और किम के सर पे गन लगा देता है। अब डोंग सिर्फ दो ही बातें चाहता है, अपनी वाइफ का बदला और अपनी बेटी का पता। तभी मिन चोई के साथ वहाँ पहुंच जाता है। चोई किम के खिलाफ इकट्ठा किए हुए सभी सबूत टीवी पे लाइव टेलीकास्ट करती है जिसकी वजह से पूरे देश को किम की गद्दारी का पता चलता है। अब कमांडोज पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। मिन डोंग को रोकने जाता है जिसके चलते दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। मिन डोंग को बंद करता है तो मौका देख के किम मिन पे गोली चलाता है। किम मिन को मारना चाहता है क्योंकि वह हमेशा उसका कॉम्पिटिटर बनता रहा, उसके रास्ते के बीच का कांटा बनता रहा। तभी चोई टीवी पे किम की साजिश का पर्दाफाश करती है। किम समझ जाता है उसका करियर खत्म हो गया है। अब मिन किम से गन छीन के उसे मारने जाता है कि तभी डोंग जम करके
मीन को रोकता है और किम को मारने मुड़ता है। वह किम का गला पकड़ के उससे अपनी लड़की का पता पूछता है। बिल्डिंग को घेरे कमांडोज के निशाने पे डोंग है। किम डोंग से झूठ कहता है कि उसकी लड़की मर चुकी है। तभी पीछे से मीन आके डोंग के हाथ में गन देता है। डोंग किम पे गन चला के उसे मार देता है। अब मीन डोंग को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है, मगर रास्ते में गाड़ी रुका के वह उसे उस एजेंट का पता देता है जिसे किम ने डोंग की लड़की को बेचा था। मीन डोंग को छोड़ देता है और उसका कर्ज चुकाता है। कभी डोंग ने उसे उसकी फैमिली की खातिर जिंदा छोड़ा था। यहाँ साउथ कोरियन गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया को बकव्हीट राइस उगाने का वो फॉर्मूला देती है जिससे नॉर्थ कोरिया की भूखमारी खत्म होने वाली थी। दोनों देश के बीच फिर से दोस्ती होती है। तो दूसरी ओर डोंग उस एजेंट से अपनी लड़की का पता जानकर चाइना अपनी लड़की के पास पहुंच जाता है। उसने अपनी लड़की को आज तक देखा नहीं, मगर खून खून को पहचान ही लेता है। वो छोटी लड़की भी जान जाती है कि उसके सामने खड़े उस आदमी का और उसका कुछ तो रिश्ता है। डोंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो छोटी भी अपने पापा को पहचान जाती है जिसने फोटो में अपने पापा को देखा था। अब डोंग उन चाइल्ड वर्कर पे जुल्म कर रहे बदमाशों की पिटाई करने मुड़ता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह स्पाई मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।